सीबीएसई परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं और भिलाई सहित दुर्ग के निजी स्कूलों में भी बच्चों ने अपना दम दिखाते हुए 90% अंक से ज्यादा हासिल करके अपने स्कूल और अपने जिले व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में हेरिटेज पब्लिक स्कूल दुर्ग के 10वीं एवं 12वीं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ एसीएन न्यूज टीम ने खास चर्चा की और जाना कि उनकी सफलता का राज क्या है। ये सब हमारे बच्चों और हमारे टीचर्स की मेहनत है जो इतना अच्छा रिजल्ट आया। और आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि साइंस सेक्शन 12th में सारे बच्चे 60% से अबव हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है और बच्चों को टीचर्स का भी बहुत अच्छा गाइडेंस मिली है उनके थ्रू, ताकि वो अच्छे से कर पाए। और उनको लास्ट टाइम पे इन लोगों ने एक्स्ट्रा क्लासेस में बुला बुला के इन लोगों बच्चों को बहुत मेहनत करके आगे करवाया हेड सब क्लियरिंग का। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बच्चे हमारे पूरा सपोर्ट किए, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि यही हमारे फायदा है इसी से। तो वो जब बच्चों को हम लोग रिलीव कर देते हैं ना, छुट्टियां हो जाती हैं जब एग्जाम्स होने वाले होते हैं, उस समय के टाइम में ये हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करवा के स्पेशल उनको 1-to-1 बच्चे को पढ़ाया गया है। बिल्कुल हमारे टीचर्स को और हमारे बच्चों को तो जाना ही चाहिए, क्योंकि उनका ही ये मेहनत है। उनके मन में ये था कि हम लोग इतना अच्छा कर पाए, इसलिए उन्होंने किया। उनकी पूरी मेहनत है दोनों की। बिल्कुल हमारा मैनेजमेंट हमेशा इतना सपोर्टिव रहा है और हमेशा सपोर्ट करता ही रहता है। अभी इन बच्चों को जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, इनके लिए एक इतनी अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम भी बनाई गई है, परसेंटेज वाइज उनको फी वेवर मिला है। काफी बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे मैनेजमेंट का। बिल्कुल जी, हमारे बच्चों को मेरी पूरी ब्लेसिंग्स हैं आगे उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। हम हमेशा यहाँ बैठे इसीलिए हैं, हमेशा हमारे डोर्स हमेशा खुले हैं हमारे बच्चों के लिए। कभी भी उनको हमारी जरूरत पड़े तो हम हमेशा उनके लिए बैठे हैं यहाँ। मेरा नाम रिंकू शर्मा है, मैं मैथ्स की टीचर हूँ हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में। और हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो उसके लिए तो क्रेडिट हेल्पिंग मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल मैडम एंड माई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट्स। दे हैव वर्क हार्ड फॉर होल ईयर एंड आई हैव टेकन एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो, दे हैव अटेंडेड एंड दे परफॉर्म वेल। आई होप दे विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। हाँ, वो तो लगा था जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आया था मैथ्स में, काफ़ी डिफिकल्ट था, तो इस साल हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। बट हमने एक्स्ट्रा क्लासेस ली और हमारे बच्चों के सपोर्ट से, इनकी मेहनत से जो हमारा रिजल्ट था वो 100% था। नहीं, हमारे यहाँ पे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, उनको अपने टीचर्स पे काफ़ी बिलीव है, बहुत भरोसा करते हैं। वो अपने बच्चों को मतलब टीचर्स के लिए अपने बच्चों को हैंडल करना और पेरेंट्स को हैंडल करना यहाँ बहुत इजी है, बिकॉज प्रिंसिपल मैडम चाहे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मैम भी काफ़ी हमको हेल्प करती है इन सब चीज़ों में, पेरेंट्स को कंसोल करने में। ऑब्वियसली हमको एक क्लास में 40 बच्चों को भी डिफरेंट मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग को उन लोग को हैंडल करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए काफ़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। और इन सब चीज़ों में हमारे सीनियर्स का हमको बहुत सपोर्ट होता है, हमको काफ़ी हेल्प करते हैं। और बच्चे भी हमारे इतने अच्छे हैं कि मतलब हमारी बातें मानते भी हैं। ये बच्चे इस ये जो बैच थी, ये बच्चे पूरे बहुत डिसिप्लिन थे, बातें सुनते थे, ये हमारे लिए काफ़ी सपोर्टिव रहा। 10th और 12th के रिजल्ट आए आज कम से कम 3 से 4 दिन हो चुके हैं और सभी स्कूलों की तरह विजिट करते हुए हम आज हेरिटेज स्कूल पहुंचे हैं। और हेरिटेज स्कूल के 10वीं और 12वीं के जो बच्चे जिन्होंने टॉप किया है, उनसे हम चर्चा करेंगे कि उनकी इतनी मेहनत के पीछे में किसका हाथ था और उनका रिजल्ट से किस तरह वो संतुष्ट है। तो हेरिटेज स्कूल के बच्चों से हम मिलते हैं। हाय, तो ये बच्चे हैं 10th और 12th के जिन्होंने टॉप किया है, वो बताएंगे कि उनका अनुभव किस तरह का रहा, उनकी पढ़ाई, उनकी जो स्टडी के पीछे में कौन था और स्कूल का कितना इसमें योगदान रहा। तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। सबसे पहले नाम बताएंगे अपना। जी, मेरा नाम हर्ष कुमार डुल्हारे है। हर्ष, बताएंगे आपका कितना मार्क्स है? मैंने 91% स्कोर किया 10th बोर्ड में। सेटिस्फाई हो? यस, आई एम सेटिस्फाइड विद माय रिजल्ट्स, बट आई होप सो मैं और अच्छा कर सकता था। अच्छा कर सकता था, करोगे अगली बार, है ना? Yes, तो स्कूल का क्या योगदान रहा और कौन तुम्हारी पढ़ाई में ज्यादा स्कूल में मदद की है?
स्कूल ने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया, जहाँ जहाँ मुझे हेल्प लगती थी टीचर्स मेरे साथ रहते थे, मैं कोई भी डाउट पूछता था वो मेरी हेल्प करते थे, और इसीलिए हमारे व्हाट्सएप में उन्होंने डाउट ग्रुप भी बनाया जहाँ पर हम डाउट पूछ सकते हैं, और स्पेशली टीचर्स तो हेल्प करते थे एग्जाम के वक्त, उन्होंने हमें सैंपल पेपर प्रोवाइड्स किए जो कि बहुत हेल्प किया हमको बोर्ड एग्जाम देने में। क्या बनना है आगे का? मुझे आगे बनकर लोको पायलट बनना है। लोको पायलट? यस। बहुत खूब, तुम्हारा नाम बताएंगे? मेरा नाम अंकित सोनी है, अभी 92% है मेरे। तो जैसे हमारी फैकल्टी स्कूल की बहुत अच्छी है, जैसे कोई लाइब्रेरी से बुक बुक चाहिए उसके लिए भी मिल सकती है हमको, और बाकी और कुछ भी, जैसे मैम लोग का पूरा रहता है कि अगर ऐसे डाउट रहा तो एक्स्ट्रा रुक के सॉल्व कर सकते हैं। सेटिस्फाई हूँ रिजल्ट से? बाकी अभी तो सेटिस्फाई हूँ, और अच्छा कर सकता हूँ, ट्वेल्थ में प्लान है और अच्छा। क्या सोचा है अपने भविष्य के लिए? अभी जेई करके बीटेक सॉफ्टवेयर। और कुछ जेई करके बीटेक, नाम बताएंगे अपना? मैं अस्तित्व तो खुजूर हूँ, मैंने 84% सिक्योर किया है अभी। सेटिस्फाई हो अपने रिजल्ट से? साल की मेरी शुरुआत जिस तरीके से हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि फैकल्टी मेंबर्स ने मेरे एग्जाम में मेरे को बहुत बूस्ट किया, मेरे कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया। साल की शुरुआत में जो मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था एग्जाम देने से पहले, वो बहुत उन्होंने मेरी हेल्प की, कि हर चीज़ को मेरे को, हर स्टडी मटेरियल्स मेरे को प्रोवाइड किए, हर चीज़ मेरी हेल्प की है। शहर की सबसे प्रतिष्ठित स्कूल हेरिटेज में तुम पढ़ते हो, स्कूल का जो फैकल्टी है वो कैसी लगती तुमको, पढ़ाई में कितना हेल्प करती है? फैकल्टी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हर तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों में हमारी हेल्प करती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट से लेकर पर्सनल चीज़ों में भी हमारी हेल्प करती है। क्या सोचा आगे? मैं अभी जेई का अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जेई का प्रिपरेशन? हाँ, नाम बताएंगे तुम्हारा? मैं लक्ष्य देवांगन। लक्ष्य देवांग, मैंने 92% स्कोर। सेटिस्फाई है अपने रिजल्ट से? हाँ, जितना मैंने मेहनत किया था उससे ज़्यादा मुझे मिला है। हेरिटेज स्कूल में पढ़ते हो, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के टीचर्स, स्टाफ किस तरह तुमसे कोऑपरेट करते हैं? सभी फैकल्टी अच्छे हैं, और मैं डाउट लेके जाता था उनके पास, वो सॉल्व भी करते थे। और जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना अंतर्मुखी, जल्दी से बोलते नहीं हैं, उसके लिए ग्रुप था, डाउट्स ग्रुप कुछ था, उसमें थे तो उस ग्रुप में। हाँ। उसमें अपने डाउट्स क्लियर किया तुमने? हाँ। बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड स्वास्तिक है, दुल्हारे है। हाँ, नाम बताएंगे अपना? निशिका सेन। निशिका सेन, अभी भी मैंने तुमसे जब कुछ देर पहले पूछा था कि रिजल्ट से सेटिस्फाई हो, तुमने बोला नहीं, क्यों नहीं? मुझे लगा था मेरे और अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं पेपर देने के बाद भी मेरे को लगा था मेरे 98+ आएंगे, बट अभी 97 आए हैं। कहाँ चो कोई कुछ लग सकता है, सोच सकती हो? सोशल और इंग्लिश में। सोशल और इंग्लिश में? हाँ। तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करोगी? अभी मैं तो PCM लाइन में हूँ ना, मेरा लाइक मैथ्स और साइंस में मेरा अच्छा रिजल्ट है, बाकी PCM और इंग्लिश में, मतलब सोशल और इंग्लिश में ही कम हुआ है, तो इंग्लिश में भी और ध्यान दूंगी। हेरिटेज स्कूल में पढ़ना तुम्हारे लिए कैसा अनुभव, कैसा फील होता है यहाँ पढ़ने से? बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे बचपन से ही पढ़ रही हूँ, यहाँ के सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हेल्प करते हैं, स्कूल आज के बाद भी अगर इनसे डाउट पूछो ऑनलाइन तो भी ये लोग हेल्प करते हैं। वो डाउट्स ग्रुप जो था है, मतलब उसमें तुम हो? हाँ। अपने डाउट्स क्लियर करती हो? हाँ। नाम बताएंगे अपना? की शुक्ला नाम है, मैंने बोर्ड 10th बोर्ड में 93% सिक्योर किया है। 93% सेटिस्फाई हो अपने रिजल्ट से? मैंने जितनी मेहनत की है उतना है सेटिस्फाइड, बट मैं और अच्छा करने की कोशिश जरूर करूंगी। यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के स्टाफ, उनसे कितनी तुम सेटिस्फाई हो? बहुत सेटिस्फाइड हूँ, यहाँ के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है, अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट में अपना काम करने की कोशिश करते हैं, मतलब अगर स्कूल आवर्स के बाद डाउट ग्रुप्स में अगर हेल्प करना हो तो वहाँ पे भी करते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं, और स्कूल टाइम में भी डाउट क्लियर कर दिया जाता है हमारा। डाउट्स बहुत सुनने को मिल रहा है, तो डाउट्स ग्रुप में तुम हो? यस मैम। क्लियर करती हो? नाम बताएंगे? नाम बताएंगे? मेरा नाम जपनीत कौर बिंद्रा है, और मैंने 10th बोर्ड में 94% स्कोर किए हैं। सेटिस्फाई हो रिजल्ट से? नहीं, मैं 95 अबव स्कोर कर सकती थी, बट जितनी मैंने मेहनत की उससे ज्यादा ही स्कोर की है। तो आगे क्या लगता है कि तुम कितना कर पाओगे आगे? मेरे इंग्लिश में नंबर कम आए, तो मुझे मैथ्स कॉमर्स लेना है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, तो मैं इंग्लिश में जरूर इम्प्रूव करना चाहूंगी। स्कूल में किस तरह तुमको प्रिपरेशन कराते थे एग्जाम के लिए? स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस भी रुकवाते थे और रिविजन टेस्ट भी लेते थे, हर चैप्टर के बाद टेस्ट लिया जाता था, ताकि हमें कहाँ डाउट है हमें वो टेस्ट के थ्रू भी क्लियर हो, और टीचर्स भी ये जान सके कि किस बच्चे को किस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल के साथ साथ फैमिलियर जो एटमॉस्फेयर होता है वो ज्यादा अपनी पढ़ाई को वो करता है, तो पारिवारिक माहौल कैसा है? हमारी फैमिली में तो बहुत सपोर्ट की मुझे, और स्कूल में भी टीचर्स इतने फ्रेंडली है कि हम कोई से भी डाउट उनसे एकदम फ्रीली पूछ सकते थे।
अब तो ये 10th क्लास के बच्चे थे, 12th के एक स्टूडेंट जो हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे तुम्हारा नाम क्या है और क्या परसेंटेज था तुम्हारा? मेरा नाम कुणाल सेन है, मैं क्लास 12th का बच्चा हूँ और मेरे 83% स्कोर हैं। मैं जितना भी हार्ड वर्क किया हूँ बस उतना ही मतलब मेरे को शायद से मिला है इतना, लेकिन और कर सकता था क्योंकि मुझे चीज़ें बाद में पता चली कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं और मुझे कितना हार्ड वर्क और करना था। स्कूल की किस तरह तैयारी थी तुम्हारी? मैंने वैसे तो पूरी प्रिपरेशन घर से की थी, लेकिन स्कूल टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा मेरी अकाउंट्स टीचर को जो कि अंकिता चांडक मैम है, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे जब भी परेशानी होती थी, कुछ डाउट